मैंने अपनी लाइफ में ना बड़ी लुका छिपी खेली है. वाह. सारी उम्र जिस लड़के से छुपता रहा, एक दिन उसने मुझे ढूंढ लिया, जैसे ढूंढा हमारी शादी हो गई. कार्तिक, कृति, आपने कभी बचपन में खेली लुका छिपी या बड़े होके कॉलेज दिनों में ऐसे कभी खेला? मतलब हमने बचपन वाली खेली है. अच्छा, आपकी वाली थोड़ी? नहीं, मैंने भी बचपन में शुरू की थी, खत्म होते होते जवानी आ गई. कार्तिक की मम्मी जी भी यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां होती है एक बार. कार्तिक की मम्मी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. इतना खूबसूरत बच्चा जो होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? आई मीन, मतलब बड़ा प्यारा है आपका बेटा, बड़ा टैलेंटेड है. अब शादी हो गई तो अंकल भी कुछ कहना चाह रहे हैं. हमारा दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है. नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन तो, वो तो चलिए जग जाहिर बात है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसे मतलब कौन से भगवान की पूजा की जानी चाहिए, कौन से व्रत रखने चाहिए कि बच्चा इतना खूबसूरत और टैलेंटेड हो. प्रीटी वाइफ हो जाएगा. कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए बस, जैसा आपका और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए. अच्छा सोचना चाहिए, बहुत प्यार करना सोच चाहिए. सोच के कुछ होता नहीं है. पंकज भाई जो भी कर रहे हैं, सुपर हिट कर रहे हैं, आपकी सारी फिल्में धड़ाधड़ हिट जा रही हैं, हर फिल्म में आप होते हो, आपकी डिमांड ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा है आपका? मैं रोज अपनी बालकनी में आता हूँ इन दिनों जी, और अर्चना मैम का बंगलो दिखता है मुझे. मड में शिफ्ट हुए हैं, पड़ोसी बन गए हैं. हाँ, हम दोनों पड़ोसी हो गए हैं. आपको तो मेरा बंगला दिख जाता है, मुझे पता नहीं आपकी बालकनी कौन सी है. मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं दूरबीन खरीद के आपको मैं ऐसे देखने वाली हूँ. मैं ह्यूज फैन, ह्यूज ह्यूज फैन. कल सीधा जाना, अगर जब भी आपको जाना, दूरबीन वूरबीन से मत देखना. देसी आदमी है, कपड़े तो यहाँ पहन के आते हैं. तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही नहीं. अरे वाह, क्या बात है जी. लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा जी, तो वहीं पे बता दिया गया है कि मेरी औकात क्या है. क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था. तब लोगों ने कहा कि अरे यार, नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने? हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी. उन लोगों की जो फिल्में धीरे 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 फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियाँ. तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे लिए ना, ओमपुरी साहब, नसीर साहब, मेरे लिए ऐसा था कि ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना. और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा. अच्छा. तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ. तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज्यादा फोन चले जाते थे. ये अच्छा है. तो उस समय अचानक इमोशनल होके फोन करता था उनको. और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई. सिर्फ ये बोलने के लिए. मैम, आज आपको देख के ना बड़ी खुशी हो रही है. मतलब सर को देख के भी खुशी हो रही है, पर सर से मुलाकात होती रहती है. आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है जी. मतलब मैं सोच रहा हूँ, सुरभि जब आता था दूरदर्शन पे, 30 साल हो गए तकरीबन उस बात को जी. और हम आपके हैं कौन में जब हमने आपको देखा, 26 साल हो गए. और इतनी प्यारी स्माइल है ना आपकी, कसम से. आज भी अगर किसी को पता ना हो कि आपकी शादी हो चुकी, बंदा प्रपोज कर दे आपको. इतनी प्यारी है आप. फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के वो कर रहा था? मतलब सर, एक तो मेरे पास बिठा दिया. नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ तो ये उठते ही साथ. ये तो ना सर का जो है टैलेंट है. हाँ. नहीं तो आप अगर वैसे आशुतोष सर को देखो तो बड़ा धार्मिक सा फेस है, प्यारा फेस है, स्माइलिंग फेस है. लेकिन किरदार ऐसे ऐसे करते ना आप, मतलब बंदा डर जाता है. अगर आपको पर्सनली ना मिला हो तो वैसे कोई कहे कि ये वही आदमी जो ऐसे, तो आदमी इनकी बिल्डिंग में घर ना ले. ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है. आप कहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे मिले, फिल्म देखने आप गए थे, पीछे ही पड़ गए आप. होता है ना. नहीं, लेकिन कितना अच्छा, अच्छा हुआ. इन, इन, इनकी मतलब इनकी जो इंट्रोडक्शन हुई, तो ये आशुतोष राणा है, ये अभी अभी दुश्मन में आए हैं, और मैंने दुश्मन देखी नहीं थी. अच्छा. थैंक गॉड.
अगर देखती तो शायद कुछ मन बनता ना, डर लगता इनसे। बड़ा डराया था उसमें काजल। हाँ, बहुत डराया था। तो लकीली मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ हाँ होंगे, मतलब आशुतोष राणा, मैंने उनका काम ही नहीं देखा था। तो डायरेक्टली हम जब डेट करने लगे ना, तब पहली शूट इनकी जो मैंने देखी वो संघर्ष थी। अच्छा, बड़ी बड़ी खूबसूरत पिक्चर। और वो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? वैसे अर्चना देखो कितनी खूबसूरत जोड़ी है ना, ये ऐसे नहीं बोलते कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। और नाम भी कितना खूबसूरत, रितेश जी ने लिया। हालांकि अर्चना जी और परमेश्वर की जोड़ी बड़ी कमाल की है जी। लेकिन जब इनके शादी के कार्ड छपे ना, तो ऐसा लगा कि परमीत सेठी वेड्स अर्चना पूरन सिंह, लोगों को लगा कुश्ती का महा मुकाबला होने जा रहा है। कई मेहमान तो कंफ्यूज हो गए, पता है कहते दोनों में से लड़की कौन है। रितेश भाई एक्टर तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं, इनके पापा सीएम रहे हैं। तो जब आपकी शादी हुई तो आपने फेरे लिए थे या इन्होंने शपथ दिलवाई थी कि मैं जेनेलिया डिसूजा ईश्वर की शपथ लेके कहती हूँ? नहीं नहीं, फेरे लिए थे। क्या होता है ना कि जब आप शपथ लेते हो तो 5 साल की सरकार होती है, वो 5 साल में 5 साल में बदल जाती है। हालांकि उसके भी फायदे अलग है। लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरी अपना तो 7 जन्मों का रिश्ता है। सीख रहे हम भी। अच्छा, आजकल भाई जो चल रहा है कोविड का जो भी पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि आजकल ज्यादा लोग आप इनवाइट नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे भी ऑडियंस नहीं है, शादी में भी 40 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट बोलती ना ही आए, लेकिन आपकी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पापा चीफ मिनिस्टर थे, तो जिन जिन्होंने वोट दिया होगा वो तो हक ही मान के बैठे होंगे कि हमारे बेटे की शादी हम भी जाएंगे। टोटल कितनी प्लेट लगी थी शादी में खाने की? मैं वो अब तक धो रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते। एलवी रेवत, आपका पूरा नाम एलवी का क्या मतलब है? लुई विटॉन। लोला वेंकटा रेवत। दादा कहते लुई विटॉन। लोला वेंकटा रेवंत कुमार शर्मा। अरे वाह। ओके, इंडियन आइडल का सीजन फिनिश हो चुका है, ठीक है? अब बताओ जरा कौन सा जज था जो ज्यादा तंग करता था आप तीनों? सोनू निगम सर। पर वो तो बड़े स्वीट है, वो तो डांटते भी, पता है सोनू बाजी कभी भी हाई पिच पे बात ही नहीं करते, गाना जितनी मर्जी गवा लो, वो रखते हैं अपने बचा के वोकल्स। तुम्हें वहां पे गया था तो फिर। और किसी को, किसी जज से कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं। घबराओ मत, दूसरे सीजन में नहीं आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे। वही तो आपके मुझे बड़ी अच्छी रखी हुई है सर। आगे मैंने नहीं रखी। नहीं, पर कमाल की पर्सनैलिटी जो आपकी मुझे है, आप तो चाहे एटीएम लूट सकते हैं कोई। रोहित, आपका पूरा नाम पीवीएनएस रोहित है ना सर? पूरा मतलब क्या है आपके नाम का? परिटाला वेंकट नागसाई रोहित सर। अच्छा, तो ये नाम ही खाली लिख दो तो चिट्ठी पहुंच जाती है आप तक। पूरा पोस्टल एड्रेस ही हो गया ये तो। कपिदा, किशोरदा का एक बड़ा फनी किस्सा था, मैंने सुना हुआ फिल्म हाफ टिकट के दौरान कोई का किस्सा है, प्लीज वो बताइए क्या किस्सा था वो? सिद्धू पाजी, ऐसा उनका एक चेस सीक्वेंस चल रहे थे, तो मधुबाला जी को लेके किशोर मामा आगे और उनको फॉलो कर रहे थे प्राण साहब, चेस हंडाला में। डायरेक्टर 1 2 कम ऑन शॉट, क्लैपस्टिक मारा, गाड़ी दौड़ा, पीछे पीछे गाड़ी, पीछे पीछे कैमरामैन जा रहे हैं, अलग गाड़ी में देखा मामा का गाड़ी चला गया, किशोर मामा का गाड़ी कहाँ जाके लुप्त हो गया। अस्त अस्त अरे काट 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 काट, किशोर बाबू का गाड़ी कहाँ गया? हाँ ऐसा नहीं, तब तक मोबाइल नहीं था। हेलो 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 जी जी। तो थोड़ा टाइम, कम से कम आधा घंटा बाद एक फोन आया जो मैं पूना होके महाबलेश्वर आ गया। मैं पूना होके महाबलेश्वर आ गया कि मधु साथ में बैठा है, मधु बालाजी। तो एनीवे आज शूटिंग नहीं करेंगे, मेरा मूड नहीं है, मैं चलेगा, ये शॉर्ट नेक्स्ट टाइम लेंगे। पाजी, वैसे आपके नाम में दो बार हंस क्यों लगता है ऐसे, मतलब जैसे आप शोज करते हैं तो डबल चेक आता है क्या ऐसा? एक्चुअली मेरा नाम माँ ने तो जोरावर रखा था। अच्छा जी। फिर साईं जी है नकोदर, उन्होंने मेरी परवरिश की।
अच्छा जी। तो रंग चिट्टा सा था, बचपन में थोड़ा ज्यादा होगा, कहने लगे ये तो हंस लगता है। अच्छा। तो फिर हंस राज जब स्कूल में दाखिल हुआ, जब मेरा पहला रिकॉर्ड बना तो कहने लगे हंस राज तो हलवाई जैसा नाम है। तो मेरे उस्ताद जी जो मेरे मुर्शिद मसीकी हैं, उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब, कहने लगे कि इसका नाम हंस राज हंस रख दो। बस उस्ताद के मुंह से ये निकला था नाम, तो ये बेबरकते नाम में बरकत आ गई। क्या बात। अच्छा नुराज एक बात बताओ मुझे। हाँ जी, आपके पापा इतने महान सिंगर हैं, आपका इंटरेस्ट पहले सिंगिंग में नहीं था? जब भी मुझे लगा कि यही मुझे यही करना चाहिए, फिर मैंने इनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। पहले मानते नहीं थे मेरे, मुझे मैंने कहा मैं आपको ही उस्ताद मानता हूँ, आपसे ही उस्तादी शागिर्दी मैं करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा मेरे तो थोड़ा डिग के आ नहीं रहे गुरु जी। तो फिर जो मेरी पहली लोहड़ी थी शादी की, उस पर मेरी वाइफ ने इनको रिक्वेस्ट की पापा को कि वो आपका ही शागिर्द होना चाहता है। अच्छा, जब तो शादी के बाद शागिर्दी की पापा की? हाँ जी, कर सीखा, इतना अच्छा गाते हो आप। पाजी सुना तो इनको ही माना सारी जिंदगी। बस शागिर्दी बंदे को सही करने की ट्रेनिंग वाइफ ही देती है। विक्की इस फिल्म में इंडियन ऑफिसर बने हुए हैं, राजी में ये पाकिस्तानी ऑफिसर बने हुए थे। पाजी पहले आप इसलिए पाकिस्तानी ऑफिसर बने थे कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो। बड़ा शरारती बंदा है यार तू। जैसे आपने इस कमली का करेक्टर किया ना संजू में, पाजी मैं एम्स्टर्डम में था उस समय, मैं फॉरेन विजिट भी करता हूँ। मैं 2 घंटे ड्राइव करके गया वहाँ पे तो संजू फिल्म देखने, तो क्योंकि मुझे जानना था, मैं संजय दत्त का फैन हूँ, रणबीर का फैन, विक्की था फिल्म में मेरा भाई। अच्छा, हमने टिकट ले ली पहले ही, आधा घंटा पहले ही, तो हमें भूख लगी हुई थी, हमने कहा बाहर जाते हैं, तो हम लोग बर्गर वर्गर खाने चले गए। अंदर गए तो 5 मिनट हम लोग लेट थे, फिल्म शुरू हो चुकी थी। यू आर नॉट अलाउड। मैं कहा टिकट है हमारे पास, पैसे लिए। कहता गेट आउट। मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, मैंने इधर देखा कोई इंडियन तो नहीं मेरे को देख रहा। मैं साइड पे आ गया। फिर मैंने, मेरा दोस्त है उसको भेजा, उसने गूगल पे कहीं सर्च किया तो रणवीर कपूर की मेरे साथ कोई फोटो थी, बोलता ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ संजू। तो गोरे ने देखी, उसने पहचान लिया कि अच्छा यही है जिसके भी बेइज्जती हुई। मैंने कहा ओके यू आर द प्रोड्यूसर, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू, अदरवाइज गेट आउट, ऐसे वाला एटीट्यूड था। तो फिर जाके हमने देखी, पर जो आपने किरदार किया कमली का, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। यामी मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे उरी में तो ये बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जाके टेररिस्ट के साथ लड़ाई हो रही है, आप जितनी खूबसूरत हैं सही सी बताना, कॉलेज में लड़के लड़ पड़ते होंगे वैसे वो? अजय पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वहां लड़के नहीं लड़ेंगे तो फिर कहां लड़ेंगे? जो बुलेट पे जो आते हैं लड़के, बुलेट वी यूज्ड टू कॉल देम जस्ट बल्ले बल्ले बॉयज। अच्छा, मेन खूबसूरत लड़कियां उधर पढ़ती हैं, हमें पता ही नहीं, हमारे साथ और ही रेखा सुषमा पता नहीं कौन पड़ गई। ऊपर से हम भी वैसे थे, हमारे क्लास में जाने का दिल ही नहीं करता था। तू आ रहा है हिस्ट्री क्लास में? कहा हट। मैं नहीं आ रहा। पर इतनी खूबसूरत लड़कियां, मतलब आई मिस्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी आल्सो मिस्ड यू कपिल। मुझे शादी भी हुई ना, मैं वही बता रहा था, मैं कहा वो ऐसे ही फंक्शन किया था हमने, अभी हुई नहीं है। यार ये बड़ा काम खराब हो गया भाजी, मेरा तो काम धंधा ही बंद हो गया। मैं तो सानिया भारत का गौरव है, और कुछ ही महीने पहले इनके परिवार में एक नया मेहमान आया, आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक, आपके पास भी नया मेहमान आया। नहीं नहीं, हम अभी इतनी जल्दी कैसे? एक्चुअली मैं आपकी बीवी की बात कर रही थी। अच्छा, बेबी का नाम क्या रखा है ये तो बताओ। बेबीज नेम इज इजहान। इजहान, मुझे बच्चे का नाम भी बड़ा अच्छा लगा, और मम्मी तो शुरू से अच्छी लगती है। तो मैंने तो बच्चे कुछ गलत थोड़ी कहा है, मगर सानिया आप हमारे देश का गौरव है, तो बहुत अच्छी लगती है हमें, इसमें क्या है। सानिया बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, जब घर में नया नया बच्चा आता है तो लोग ना ये बड़े अंदाजे लगाते हैं कि अरे ये पापा पे गया है, या इसका चेहरा बिल्कुल मम्मी जैसा है, तो ये अंदाजे लगने तो शुरू हो गए होंगे? अभी तो 2.5 महीने का है। अच्छा, पहला दिन बच्चा पैदा हुआ सब ये इस जैसा लगता, मैंने कहा इट जस्ट लुक्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, ये किसी के जैसा नहीं लगता। वो फालतू ऐसे लोग बोलते हैं कभी-कभी। हाँ, ऐसे ही मतलब। तो अच्छा, ऑब्वियसली उनके फैमिली वाले कहते हैं शोएब जैसा लगता है, मेरे फैमिली वाले कहते हैं मेरे जैसा लगता है। साने मुझे जो लगता है, छोटे बच्चे को देख के आप बता नहीं सकते, वो वैसे टाइम पास करना होता है, मेहमान आए होते बधाई देने, और कोई बात होती नहीं, तो ऐसे अरे पापा पे गया, अरे मम्मी पे गया।
सानिया ने सिंगल्स में बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है. अच्छा शुरू में तो एक दो नाम मैंने ऐसे पढ़े, मैंने सवाल ही कैंसिल कर दिया पहले. मैंने आपको बोला था मैं हेल्प करूंगी. स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा. हाँ एक बार ट्राई कर दोबारा. एक बार स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा. इकट्ठा नहीं ना बोला जाता. यहाँ पे हमारे धुआंधार बल्लेबाज, यहाँ पे सारी हमारी टीम यहाँ पे इकट्ठा है. तो श्रीकांत सर क्या करते थे कि उस टाइम पे भी, मतलब 2020 शुरू भी नहीं हुआ था तो आप उस समय 2020 की स्पीड से खेलते थे, तो उसका रीजन क्या था कि नई नई शादी हुई, बीवी वेट कर रही है इसलिए? क्या कपिल ऐसे नहीं, मेरा बैटिंग स्टाइल नहीं है, मेरा बैटिंग इतना ही है. स्टाइल मतलब ये की है, दूसरी बात है. बट अच्छा है, क्या हो गया ना, मैं हमारा कप्तान, पहला कप्तान सुनील गावस्कर है, दूसरा कप्तान कपिल देव है. टीम मीटिंग में सब कुछ प्लानिंग कर सकता है. ए द्रोज बिनी तू इसी करो, ओ क्यों जिमी अमना तू करो, ए करो, ए चिका आपके लिए कुछ नहीं, कुछ भी करो तू, ऐसा फ्रीडम दे दिया मेरे को. चिका के लिए कुछ भी करो. बट मेरा बैटिंग जैसा स्टाइल है, मैक्सिमम आई कैन प्लेज ओनली 20 ओवर्स. ओके, लाइफ में 20 ओवर्स खेल सकता है. सो क्या है बैटिंग, वन डे में भी 20-20, लाइफ में भी 20-20, क्रिकेट में भी 20-20 हो गया, अभी बात में करने करने में 20-20 हो गया. भाजी एक किस्सा आपने बड़ा मजेदार सुनाया था, जब आप वाजपेयी साहब और देवानंद साहब को पाकिस्तान दौरे के लिए गए थे शायद, वो किस्सा भाजी एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को दोबारा सुना दो. ऐसा था कि वाजपेयी साहब ने हमें बुलाया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, एक गुडविल टूर था जिसमें कीर्ति भी था, काफी नामी लोग थे, हम 25-30 लोग थे और उसमें देवानंद साहब भी थे. तो वाजपेयी साहब ने सबको दो दो मिनट थे जो उनके साथ बात करनी है और डिस्कशन करनी है चलते चलते. और वाजपेयी साहब थोड़ा से, उनके घुटनों में भी दर्द था, बड़े आराम आराम से चल रहे और देवानंद लगे हुए अपनी मस्ती में, ये बहुत अच्छा किया आपने ये टूर जो किया, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत खूब हो जाएंगे. बड़ा और देवानंद साहब की सबसे बड़ी खासियत थी, जब तक कैमरा सामने नहीं है आप उनको नहीं देख सकते. अच्छा जी. और जब कैमरा सामने आता है तो और कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही आएंगे. उनकी मूवीज में भी ऐसा होता है जी, अगर आप याद करेंगे. तो हम बात कर रहे थे तो इतनी देर में कैमरा आया शूट ऐसे करने के लिए, तो देवानंद साहब पीछे खड़े थे उछल के सबसे आगे. क्या बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया, इसके ऊपर एक पिक्चर बननी चाहिए, बहुत मजा आएगा अगर आप मौका दे यहाँ हम पिक्चर करने का. और मैं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.